आजाद कश्मीर में देख लें और वहाँ पे सफ़े मतम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। नो डाउट, देखें वहाँ पे मुसलमान सफर कर रहे हैं वहाँ पे, और जो पाकिस्तान है हम आजाद मुल्क में हैं, यहाँ पे तो हम उससे डबल सफर कर रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हम आजाद मुल्क में हैं और हमारी जो इनकी पॉलिसीज हैं या जो हमारे इधर हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी तो हमें ये लगता है कि वो हमसे अच्छे हैं। जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान से अच्छा है, पाकिस्तान कश्मीर से भी अच्छा है, और पाकिस्तानी जैसे हम आजाद मुल्क में हैं, लाहौर में हैं, तो इससे भी अच्छा है। अगर आज इंडिया कह दे जी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाएं, जिसको हम सारी ज़िंदगी मतलब बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि इंडिया गो, इंडिया गो, आज तल हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आ सकता है, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ बढ़ जाए। चार कौमों का पाकिस्तान नहीं है, ये सिर्फ दो कौमों का पाकिस्तान है। एक वो कौम जो जुल्म करती है, और दूसरी कौम वो है जो जुल्म सह रही है, और हम वो कौम है जो जुल्म सह रहे हैं। आखिरी बात करके आपसे ज़्यादा चाहूँगा, वो कहते हैं अजीब रस्म है चारा घरों की महफिल में, लगा के जख्म नमक की मसाज करते हैं, अमीर गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। इंडिया में यूनिट कितने का है? आज मेरे कहने पे आपने गूगल करना है। 4 रुपये का यूनिट इंडिया में पाकिस्तानी रुपीज़ में, बांग्लादेश में 3.5 रुपये का पाकिस्तानी रुपीज़ में, ये आपके ईरान में 8 रुपये का यूनिट है पाकिस्तानी रुपीज़ में, आपके ये अभी जो आज़ाद हुआ अफगानिस्तान 11 रुपये का वहाँ पे बिजली का यूनिट है पाकिस्तानी रुपीज़ में, ये वहाँ पे बिजली के रेट्स हैं पाकिस्तान में 65 का, और अभी वो कह रहे हैं कि 100+ हो जाना। हम कहते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या आप चाहते हैं कि कश्मीर बने पाकिस्तान? मैडम बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, यकीन माने के नहीं चाहता हूँ। इसलिए नहीं चाहता हूँ कि बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ 1971 में, आज बांग्लादेश हमसे कोई 6 गुना ऊपर है, उनका टक्का हमसे कदर में बहुत ज़्यादा ऊपर है, उनके यहाँ बिजली है, उनके पास चावल की काश इतनी है कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं चावल की एक्सपोर्ट के ऊपर उनका मुल्क चल रहा है, उनके पास बिजली है और सस्ती बिजली है, उनके पास डॉलर है तो सस्ता डॉलर है, पाकिस्तान में डेली का रेट है और 15-15, 20-20 रुपये ऊपर जा रहा है। दोस्तों मैं हूं अर्जुन, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रो रिएक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमने ली है सना अंजन जी के चैनल से, तो पूरा क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। जी हाँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर जिसे हम आजाद कश्मीर बोले, तो आजाद कश्मीर है उसमें हालत अभी बहुत खराब है, वहां के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, वहीं बलूचिस्तान पाकिस्तान के जो लोग है वो भी सड़कों पर उतर गए हैं, वहां की बिजली इतनी महंगी हो गई है और जितनी लोगों की कमाई है उससे भी ज्यादा लोगों को बिजली का बिल चुकाना पड़ रहा है। वहां पर अभी खाने को आलू की रेट बात करें तो वो 100 रुपए से ऊपर है, पेट्रोल की कीमत 300 से 350 तक हो चुकी है, और वहीं रुपया डॉलर है जो रुपये के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, 350-400 रुपए के आसपास अभी डॉलर का रेट पाकिस्तान में चल रहा है। ऐसे में वहां की सरकारें करे तो क्या करे, वहां की मीडिया रिपोर्टर्स ने जब पाकिस्तान के लोगों के बीच में जाकर पूछा तो आइए क्या है उन पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन आजाद कश्मीर को, यानी वो कि आजाद कश्मीर को क्या पाकिस्तान में मिलाना चाहेंगे, नहीं क्या आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या फिर इंडिया के साथ आना चाहते हैं, इंडिया का जम्मू कश्मीर है उसमें मिलना चाहते हैं, क्या है जब जम्मू कश्मीर में मोदी जैसी सरकार है, वहां के G20 अभी मीटिंग रखी गई है उसको देखकर एक और जहां आजाद कश्मीर इतना खुश होता है कि वहां इतनी डेवलपमेंट हो रही है और हमारे पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा है। तो खैर पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक, मिलते हैं और बात करते हैं वीडियो के टॉपिक पे एंड में। नाज़रीन, जिस वक्त हमारा हमसाया मुल्क भारत जम्मू कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने जा रहा है, आजाद कश्मीर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल हो रही है, कश्मीर के बासी सड़कों पर निकल आए हैं, दुकानें बंद हैं, रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं क्योंकि कश्मीरियों को उनके हकूक नहीं मिल रहे, कश्मीर में गंदम खाने के लिए नहीं है, बिजली के बिल जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं, हम पूरी दुनिया में इस वक्त क्या पैगाम दे रहे हैं, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाज़। सर आपका? फलक शेर मोहम्मद उस्मान। क्या करते हैं? मैं इंटीरियर डिजाइनर हूं। बिल्कुल, मैं जॉब करता हूं। काम ठीक चल रहा है? सो सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जॉब अच्छी जा रही है। जॉब करते हैं तो इनको सैलरी तो मिल जाती है ना, हमारा बिजनेस है तो हमें जब कम मिलेगा तो फिर मुल्क के हालात पे डिपेंड करता है। नहीं, पाकिस्तान में आजकल बहुत बुरे हालात भाग रहे हैं और कोई बंदा भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं जो हमारे हालात है ना। अभी ये हमारे टेकर आए हैं अनवारुल हक काकर साहब, तो ये मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं ना कि भाई बिजली ऐसे, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक कोई नहीं आया। सर हम आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इंडिया जो है मोदी सरकार जो है वो G20 की मीटिंग होस्ट करवाने जा रहा है और आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं बिजली के बिलों के खिलाफ, आटा नहीं है वहाँ पे, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ का निज़ाम नहीं है। हम कहते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया हुआ है कश्मीर का, इंडिया कश्मीर में मतलब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट कर रहा है और आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में सारा कश्मीर सड़कों पर निकला हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, देखा जाए अगर दोनों का कंपैरिजन करें आप तो नो डाउट जो ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसको हम जम्मू कश्मीर कहते हैं वो जो हमारा आज़ाद कश्मीर है उससे बहुत बहुत आगे है ना।
और मोदी सरकार देखे जो मर्जी है कि वो गलत है हमके मुस्लिम के बारे में, और अभी हम उनको कसाई बोलें कुछ बोलें, लेकिन वो अपने मुल्क को बहुत आगे लेके गए हैं। और उसके मुकाबले में जो हमारी गवर्नमेंट है, जो नेक्स्ट थी, मतलब सबका थी पीडीआई की, या जो अभी रिसेंटली, वो सिवाय बातों के और कुछ नहीं कर सकते ना। आपको किसने कहा कि मोदी सरकार एंटी मुस्लिम है? देखें, जब गुजरात का वाकया हुआ था, अच्छा, और वो कितने सारे मुस्लिम का उनका मर्डर हुआ था, आग लगाई गई थी ट्रेन में, तो तब सभी उसको कहते हैं कि ये मोदी का सही है ना। सही। लेकिन देखें, उसके बाद वो अपने मुल्क को कहाँ पे लेके गया? एक चाय बेचने वाला अपने मुल्क को चांद पे ले गया। मोदी कसाई नहीं है, भारत का शेर है, जो तुम जैसे लोगों पर अगर दाड़ सकता है, भारत की इकोनॉमी को इतनी आगे ले जा सकता है। जहाँ तुमने झंडे पर चांद लगाया, वही भारत ने चांद पर जाकर झंडा लगाया है। तो आगे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, आप ये वीडियो पूरा। अब यही मोदी, जिसको आप लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अब हम आपको पता है कि इंडिया में कितने जामिया हैं जिनका इफ्तिताह वो करते हैं, मुसलमानों को हर जगह पे सपोर्ट करते हैं। उनकी अभी एक नई असम्बली जो है वो ओपन हुई, वहाँ पे उन्हें कुरान पाक की तलावत भी करवाई। ये वो खबरें हैं जिनके ऊपर मैंने खुद काम किया है, मैंने खुद देखी है अपनी आंखों से। देखें, जो आप कह रहे हैं हो सकता है ये अच्छा हो, कि ये सियासत है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है ना, कि आप फेम लेने के लिए कुछ ऐसा करने के लिए आप कुछ ऐसा करोगे कि आपको मुस्लिम की थोड़ी सी आपको कह लेंगे हमायत मिल जाए ना। लेकिन नो डाउट, देखें वहाँ पे मुसलमान सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे, और जो पाकिस्तान है हम आजाद मुल्क में हैं यहाँ पे, तो हम उससे डबल सफ़र कर रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हम आजाद मुल्क में हैं और हमारी जो इनकी पॉलिसीज हैं या जो हमारे इधर हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी तो हमें ये लगता है कि वो हमसे अच्छे हैं। जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान से अच्छा है, पाकिस्तान कश्मीर से भी अच्छा है, और पाकिस्तानी जैसे हम आजाद मुल्क में हैं, लाहौर में हैं, तो इससे भी अच्छा है। आप क्या कहेंगे सर आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट पर? इंडिया जम्मू कश्मीर को कहां से कहां ले गया है, और आज़ाद कश्मीर के हाल आप देख लें कि लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। आज़ाद कश्मीर का पूरा पाकिस्तान इस वक्त सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहा है हर चीज़ के खिलाफ। देखिए ना, मेरा मानना है कि पाकिस्तान आज तक आज़ाद हुआ ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हुक्मरान हुक्मरानी कर रहे हैं और जिस तरह की अशराफिया हमारे ऊपर बैठी हुई है, अशराफिया के प्रोटोकॉल्स ख़त्म नहीं होते, गरीबों से टैक्स लेके उनको पे किया जाता है कि उनकी अयाशियाँ बरकरार रहें। अभी ये जो बात कर रहे थे हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, निगरान वज़ीर आज़म हैं, 65 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में बैठ के असम्बली में पहुँचे हैं कि मैं आज जाके वापडा वालों की सुनूंगा, नेपरा के कैसे सुनूंगा, आवाम महंगाई से तंग हो रही है, इनके बिल्स कम करने हैं। 65 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में उधर जाके बैठे हैं और जाके कहते हैं कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, बल्कि फ़ौज को बुलवाएं, इनसे बिल जमा करवाएं। इस इधर तक हालत हो चुकी है, और मतलब ये इसके ऊपर है कि आज़ाद हुआ ही नहीं है। देखिए, दुख होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारा एक वक्त था कि जो पाकिस्तानी करेंसी थी वो इंडिया से आप थी, ठीक है, जब मैं छोटा था मैंने ये सुना था ना, लेकिन अभी ये है कि हमारी करेंसी जो अफगानिस्तान है तबाहशुदा अफगान उससे भी पीछे है, और जो डिफॉल्ट श्रीलंका है उससे भी हम पीछे हैं। हम हर जो हमारा इंडो पाक है या बस गिर है उसमें हम सबसे निचले लेवल पे आ गए हैं। एक वक्त था 70 का दौर था कि हमारी एक माशियत थी, हमारा एक नाम था, हमारे टूरिस्ट इधर आते थे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है ना। सर, हमारे हुक्मरान हमारे मुल्क को खा गए हैं, ये तो सबको नजर आ रहा है, मानते भी नहीं है ना। अभी ये कहते हैं मुश्किल फैसले, मुश्किल फैसले, मुश्किल फैसले हमारे लिए। देखिए, जो पार्लियामेंटेरियन जो सेंटर में बैठे हुए हैं उनके लिए कोई मुश्किल फैसला नहीं है। अभी जो हम देखिए कोई भी फैसला तो वो कहते हैं मुश्किल फैसला है। IMF कहेगा तो हम बिजली काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हमें बताया कि इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आना। हम पिस रहे हैं अभी और पिसेंगे। आज ऐसे 31 अगस्त है और सुबह अनाउंस होना है कि ये 20 रुपये पेट्रोल और बढ़ जाएगा। बढ़ गया सर, बढ़ गया, मुबारक हो आपको। पाकिस्तान जिंदाबाद। कहते हैं कि पाकिस्तान में चार कौमें रहती हैं, पश्तून है, पठान है, बलोच है, सिंधी हैं। इन चार कौमों का पाकिस्तान नहीं है, ये सिर्फ 2 कौमों का पाकिस्तान है। एक वो कौम जो जुल्म करती है और दूसरी कौम वो है जो जुल्म सह रही है, और हम वो कौम है जो जुल्म सह रहे हैं। आखिरी बात करके आपसे ज़्यादा चाहूँगा, वो कहते हैं अजीब रस्म है चारा घरों की महफिल में, लगा के जख्म नमक की मसाज करते हैं, अमीर गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी नहीं मैंने आपको जाने देना, एक सवाल और। हम कहते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या आप चाहते हैं कि कश्मीर बने पाकिस्तान? मैडम बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, यकीन माने के नहीं चाहता हूँ। इसलिए नहीं चाहता हूँ कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ 1971 में, आज बांग्लादेश हमसे कोई 6 गुना ऊपर है, उनका टका हमसे कदर में बहुत ज़्यादा ऊपर है, उनके यहाँ बिजली है, उनके पास चावल की काशी इतनी है कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं चावल की एक्सपोर्ट के ऊपर उनका मुल्क चल रहा है। उनके पास बिजली है और सस्ती बिजली है, उनके पास डॉलर है तो सस्ता डॉलर है, पाकिस्तान में डेली का रेट है और 15-15, 20-20 रुपये ऊपर जा रहा है। अगर कोई गोल्ड खरीदना चाहे ना तो खरीद नहीं सकता, डॉलर खरीदना चाहे नहीं खरीद सकता, शादी तो खैर हो जाती है डॉलर गोल्ड के बगैर। लेकिन बांग्लादेश हमसे अलग हुआ वो आज बहुत बेहतर है हमसे, कभी भी नहीं कहेंगे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। अल्लाह माफ़ करे, जब तक ये निज़ाम ठीक नहीं होता हमारे मुल्क का तब तक तो बिल्कुल नहीं।
अभी जो मान 25 करोड़ है या 24 करोड़ है, हमारी गवर्नमेंट इसको संभाले तो बड़ी बात है ना। और आप ये कश्मीर वालों से पूछे वो कभी भी नहीं जाएंगे, जो इधर के कश्मीर वाले हैं ना, आप अगर आजाद कश्मीर में जाती हैं, मीरपुर जाती हैं, मुजफ्फराबाद जाती हैं, कभी आप उनसे पूछे वो कहते हैं हम कश्मीरी हैं, हमारा पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं है। वो तरस रहे हैं जब वो बॉर्डर के उस पार डेवलपमेंट देखते हैं ना, उनकी आंखों में हसरत देखने वाली होती है। दोस्तों आई होप कि आपने वीडियो देख ली है और वीडियो आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। और अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो जहां कश्मीर है, आजाद कश्मीर है, वहां पर जो पाकिस्तानी लोग हैं वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि यहां पर ये है, वहां पर खाने को आटा नहीं है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हुई है। एक और जहां लोग सड़कों पर उतर गए हैं वहीं बलूचिस्तान के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक और जहां पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा होता जा रहा है और लोगों को रोजगार नहीं है, वहीं बिजली के बिल बढ़े हुए हैं। ये सब सहकर आखिर आदमी कितना कमाए, और पूरा ये मुल्क ये बोल रहे हैं, वहां के लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ की सरकार सिर्फ हम गरीब लोगों से टैक्स लेती है और अपने अय्याशी के लिए काम में लेती है। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो जहां पाकिस्तान के बारे में हमने जाना। ओरिजिनल वीडियो को लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका भाई ऐसी वीडियोस लेके आता रहता है। खैर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।